जिंदगी की सच्ची और कड़वी बातें। नंबर वन, बहुत कुछ सिखाती है ये जिंदगी, लोगों की पहचान कराती है ये जिंदगी। जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, हर चेहरे से नकाब हटाती है ये जिंदगी। नंबर टू, एक बार यदि किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर थ्री, कमज़ोर से कमज़ोर स्त्री भी उस समय ताकतवर हो जाती है जब उसे इज्जत और सम्मान देने वाला पुरुष का साथ मिल जाता है। नंबर फोर, तलाश उसकी करो जो किसी के पास नहीं हो, भुला दो उसे जिस पर विश्वास नहीं हो। हम तो अपने गमों पर ही हंस पड़ते हैं, वो इसलिए कि सामने वाला उदास नहीं हो। नंबर फाइव, औरत हमेशा पति के पास रहने के लिए मौके ढूंढते रहती है और पति हमेशा पत्नी से दूर रहने के लिए बहाने बनाते रहता है। नंबर सिक्स, पति के पास भले ही करोड़ों की संपत्ति ना हो, मगर जो अपनी पत्नी को जिंदगी भर प्यार से संभाले वही असली करोड़पति होता है। नंबर सेवन, जिस तरह एक आदमी को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत पसंद नहीं होता है, उसी तरह एक औरत को तेज आवाज़ और बेइज्जती करने वाला आदमी पसंद नहीं होता है। नंबर एट, जितनी इज्जत लड़की वाले दामाद को देते हैं, यदि उतनी इज्जत लड़के वाले बहू को दे दे तो कोई घर बर्बाद नहीं होगा। नंबर नाइन, हमारे बीच एक इंसान ऐसा रहता है जो दो लोगों के बीच लड़ाई करवाकर अच्छा बन जाता है और वह इंसान सब लोगों का चहेता होता है। नंबर टेन, मैं उन मर्दों से पूछना चाहती हूँ जो बोलते हैं कि माँ का कर्ज जिंदगी भर नहीं उतर सकता, उन्होंने हमें जन्म दिया है, तो फिर वह मर्द उस औरत का कर्ज कैसे भूल जाते हैं जो अपनी जान मौत के मुंह में रखकर उन्हें बाप बनने का सुख दिया है। नंबर 11, कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती, जब तक उन जैसा नहीं बन जाओ उन्हें समझ नहीं आती। नंबर 12, पति पत्नी के बीच लड़की की माता पिता का बोलना गलत लगता है, मगर लड़के के माँ बाप का बोलना हक माना जाता है। नंबर 13, किसी की किस्मत अच्छी है ये बोलने से पहले एक बार उसके पीछे की मेहनत जरूर देख लेना। नंबर 14, अच्छे वक्त से ज़्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा वक्त ला सकता है, मगर अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता है। नंबर 15, पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाला चोट संभल कर जीना सिखाती है। नंबर 16, माँ सोचती है कि बेटा आज भूखा ना रहे और पिता सोचते हैं कि बेटा कल भूखा ना रहे। बस दुनिया में यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर होता है। नंबर 17, कलयुग का एक ही नियम है, जितना अटूट विश्वास होगा उतना ही खतरनाक धोखा भी होगा। नंबर 18, अक्सर परिवार में ऐसे नमूने होते हैं जो अपनों से जलते हैं और गैरों के जूते पॉलिश करने में गर्व महसूस करते हैं, बात करवा है पर सत्य है। नंबर 19, मदद करना सीखे फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखे मतलब के बगैर, जिंदगी जीना सीखे दिखावे के बगैर। अंधेरा वहाँ नहीं है जहाँ तन गरीब है, अंधेरा वहाँ है जहाँ मन गरीब होता है। नंबर 20, चुगली की धार इतना तेज होता है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती है। नंबर 21, यदि बेटी की शादी अच्छे इंसान से हो जाए तो माता पिता को दामाद के रूप में एक बेटा मिल जाता है। नंबर 22, कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, मगर वह अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। नंबर 23, दूसरों की पंचायतों में ध्यान रखने से पहले अपने घर का ध्यान रखिए, फ़ायदे में रहिएगा।
नंबर 24, घमंड बता देता है कि व्यक्ति के पास पैसा कितना है और संस्कार बता देता है उसका परिवार कैसा है। नंबर 25, यदि साथ निभाने की चाहत ना हो तो किसी से झूठे प्यार का नाटक मत करना, क्योंकि आपके मजे के चक्कर में किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज हम उम्मीद करते हैं कि इस संग्रह को सुनने के बाद आपको ज़रूर मोटिवेशन मिला होगा, और यदि हाँ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और घर परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।